अब मैं आपको सेकंड पार्ट में किसी भी आवे जोड़ना बताता हूँ, यानी दो आवयों को हम कैसे जोड़ें। ये तो मैं आपको पहले प्रदर्शन कर चुका हूँ कि आवयव ए बराबर ए वन वन, यानी वन वन ये मैंने आपको शो कर दिया था, ए आई जे एम एन, यानी आई उस आवयव का पहला रो यानी पत्ते, जे स्तंभ यानी किसी भी अवयव पत्ती और स्तंभों की संख्या को शो करता है। जैसे यहाँ पे ए वन वन ए वन टू यानी पहली पत्ती है, तो सबके आगे मैंने वन 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 देखा जो पीछे से शो कर चुका हूँ। दूसरी पत्ती है तो टू टू पहले पत्तियों की संख्या, तो वन में स्तंभ। मैंने आपका दो आवयव लिए, नाम बदल दिया है आपकी टेप को, सारे अवयव ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, आदमी बी के सारे अवयव बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री। यहाँ पर जोड़ने में या घटाने में दोनों का सेम रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है, व्यवकलन कहते हैं घटाना कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दो आवयवों को जोड़ने या घटाने के लिए दोनों आवयवों का क्रम समान होना आवश्यक है। अगर दोनों आवयवों का क्रम एक जैसा नहीं होगा तो हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। जैसे मैंने ये जोड़ा ए और बी दोनों को, तो यहाँ पे मैंने देखा इसका भी क्रम तीन बाई तीन, तीन पत्ती तीन स्तंभ, इसमें भी तीन पत्ती तीन स्तंभ, तीनों का क्रम समान है, अर्थात आप उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो पहले मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ, ए वन वन पहले आवयव का पहला अवयव, दूसरे आवयव का पहला अवयव, पहला अवयव माने पहले पत्ती का पहले स्तंभ का पहला अवयव। तो ये ए वन वन और बी वन वन, ए वन टू और बी का वन टू, ए का वन थ्री बी का वन थ्री, ऐसे हम इसको जोड़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज दूसरी का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मैंने आपके सामने। जैसे अगर मैं यहाँ से तुलना करूँ, पीछे वाले पार्ट में मैंने बताया था ए वन वन का मान है 1, ए वन टू का मान है 2, ए वन थ्री का मान है -3, ऐसे ही बी वन वन का मान है 3, बी वन टू का मान है -1, बी वन थ्री का मान है 2। जोड़ना है मेरे को ए प्लस बी का मान निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बताया ए वन वन यानी पहला अवयव, पहला ए वन वन की जगह आ जाए ए प्लस बी में, ऐसे ही टू इसका दूसरा, पहली रो का दूसरा अवयव, पहली रो का दूसरा अवयव, ये -1 है तो प्लस का और -1, ये है -3, ये प्लस का, ऐसे ही आप उसको लिखते चले जाएंगे, ये 5 + 4 = 0 + 2, ऐसे ही 2 + 5 बड़ा ईजी है, 1 + 2 - 1 + 0 = 1 + 3, इसको आगे आप शो कर लेंगे, जोड़ लेंगे जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं, 1 3 हो गया 4, 5 और 4 हो गया 9, 3 2 में से बन गया तो मैं 1 बचा आपका, 0 में 2 जोड़ा तो 2 हो गया, -1 में 0 जोड़ा तो -1 हो गया, -3 है प्लस का 2 है माइनस का 1 हो गया, 7 हो गया, 3 1 और 4 हो गया। अब अगर आप इसमें ए में सी, ए बी और सी तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे ए प्लस बी और फिर लिखेंगे सी,
तो ये बात हो गया ए प्लस बी का, आप इसको लिखेंगे पहले 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 प्लस सी, इसको उतार लेंगे सी का मान ये रहा, और जैसे ये जोड़ा है तो ये आपको मान मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। अगर यहाँ पर आप आवयुह को एक एक पंक्ति को हटा भी देते हैं, जैसे यहाँ से मैंने इसको पूरा हटा दिया, यहाँ से भी मैंने पूरा हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से लास्ट वाला कॉलम आपका हट जाएगा, मान आपका यहाँ से हट जाएगा, मान आपका ये आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा युवा क्रम हो गया, दो पक्तियाँ और 3 स्तंभ, इसका भी 2 पक्तियाँ और 3 स्तंभ। अब आप अगर कहें कि ए में सी को जोड़ना चाहे या बी में सी को जोड़ना चाहे, तो सी किसी में भी नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि सी का क्रम है 3/3, यानी 3 पक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों आदमियों का क्रम एक जैसा होना आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ घटाना, ये तो हो गया जोड़ना, अब मैं आपको बताता हूँ आगे घटाना, आवयुह को आप कैसे घटाएंगे। जैसे आपने जोड़ा है वैसे ही आप इसको घटा देंगे, इसी को मैं घटाना समझा देता हूँ। जैसे आप घटाते हैं आप कहेंगे a माइनस बी, ए का मान है यहाँ पर 2/2 को मैं घटा रहा हूँ, 1 2 -3 5 0 2। जब जोड़ा था तो बीच में प्लस का निशान लगाया, घटाएंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, इसको उतार देंगे 3 -1 2 4 2 5। इसको जब आप घटाएंगे आप लिखेंगे a माइनस बी, जैसे आप घटाते हैं एक में से 3, क्रम का वही ध्यान रखें, ए वन वन में से बी वन वन को घटाना है, ए वन टू में से बी वन टू को घटाना है, तो एक में से घटा देंगे 3, दो में से घटाएंगे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस 3 में से घटाएंगे माइनस 2, 5 में से घटाएंगे 4, 0 में से घटाएंगे 2, दो में से घटाएंगे 5, जो भी आपका आंसर आएगा सरल कर लेंगे। अब आप कहें कि साहब ए में से सी को घटा दें या बी में से सी को घटा दें या सी में से ए को घटा दें या सी में से बी को घटा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। दैट्स ऑल।